बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र हितोपदेश मित्र लाभ 19 से 32 पद्य डॉक्टर मनीषा गोदारा सहाचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीढ़ 19वां पद्य पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः काप्यति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेत् वश्य समृद्धो धार्मिकः सुधि। येन जिस मनुष्य के द्वारा किसी पुण्य तीर्थ में अति कठिन तप किया है उसी का पुत्र आज्ञाकारी धनवान धर्मशील और पंडित होता है। येन पुण्य तीर्थे कृतम कापि अति दुष्करम तप। जिस मनुष्य ने किसी पुण्य तीर्थ में अति कठिन तप किया है तस्य पुत्र भवेत् उसी का पुत्र होता है वश्य आज्ञाकारी समृद्ध धनवान धार्मिक धर्मशील सुधी विद्वान पंडित। जिस मनुष्य ने किसी पुण्य तीर्थ में अति कठिन तप किया है उसी का पुत्र आज्ञाकारी धनवान धर्मशील और पंडित होता है। अर्थागमो ने नियम अयोगिता च प्रिया च भार्य प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थ करी च विद्या षट जीव लोकस्य सुखानी राजन। हे राजा, ये संसार में 6 सुख हैं। नित्य धन का आगम, आरोग्य, प्रियतमार मधुरभाषिणी स्त्री, आज्ञाकारी पुत्र और धन का लाभ कराने वाली विद्या, ये संसार में 6 सुख हैं। हे राजा, नित्य धन का लाभ, आरोग्य, प्रियतमा और मधुरभाषिणी पत्नी स्त्री आज्ञाकारी पुत्र और धन का लाभ कराने वाली विद्या, ये संसार में 6 सुख हैं। को धन्य बहुभी पुत्र कुशुला पूर्णा ढकई वरम एक कुलालंबी यत्र विश्रुयते पिता। कुशुल नामक पात्रों से भरे जाने वाले अनाज रखने के आडक नामक पात्रों के समान अर्थात बहुत भोजन करने वाले पुत्रों से कौन सम्मान पाता है, कौन बड़ाई पाता है। परंतु जिसके उत्पन्न होने से पिता संसार में विख्यात हो ऐसा कुलदीपक एक ही पुत्र अच्छा है। कुशला पूर्णा ढकई कुशुल नामक पात्रों से भरे जाने वाले अनाज रखने के आटक नामक पात्रों के समान अर्थात बहुत भोजन करने वाले। बहु भी पुत्र को धन्य, बहुत सारे पुत्रों से कौन बड़ाई पाता है, कौन धन्य है। वरम एक कुलालंबी यत्र विश्रुयते पिता। परंतु जिसके उत्पन्न होने से पिता संसार में विख्यात हो प्रसिद्ध हो ऐसा कुलदीपक एक ही पुत्र अच्छा है। ऋण कर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पत्रु पुत्र शत्रु अपंडित। ऋण कर्ता पिता शत्रु, ऋण लेने वाला पिता शत्रु है। व्यभिचारिणी अर्थात चरित्रहीन माता, रूपवती भार्या अत्यंत सुंदर स्त्री शत्रु है और अपंडित पुत्र शत्रु और मूर्ख पुत्र शत्रु है। ऋण कर्ता पिता व्यभिचारिणी अर्थात चरित्रहीन माता, अत्यंत सुंदर स्त्री और मूर्ख पुत्र, ये चारों शत्रु के समान है। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। अभ्यास न करने से विद्या विष के समान है, अजीर्ण होने पर भोजन, दरिद्र को सभा और बूढ़े व्यक्ति को तरुण स्त्री विष के समान है। अनभ्यासे विषम विद्या, अभ्यास नहीं करने पर विद्या विष के समान है। अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्ण होने पर नहीं पचने पर भोजन जहर के समान है। गरीब व्यक्ति के लिए सभा, वृद्धस्य तरुणी विषम और बूढ़े पति के लिए तरुण स्त्री विष के समान है। 24वां, यस्य कस्य प्रसूतो अपि गुणवान पूज्यते नर धनुर्वंश विशुद्धो अपि निर्गुण किम करिष्यति। यस्य कस्य प्रसूतो अपि, किसी से भी उत्पन्न हुआ वा किंतु गुणवान पूज्यते नर, किंतु गुणवान होने से प्रतिष्ठा पाता है, सम्मान प्राप्त करता है।
धनुर्वंश विशुद्धोपि निर्गुणा किम करिष्यति। जैसे अच्छे बांस का भरा हुआ भी धनुष गुण अर्थात डोरी के बिना क्या कर सकता है। जैसे अच्छे बांस का बना हुआ धनुष बिना डोरी के क्या कर सकता है। यस्य कस्य प्रसूतोपि गुणवान पूज्यते नर, नरोर्वंश विशुद्धोपि निर्गुण किम करिष्यति। किसी से भी उत्पन्न हुआ हो किंतु गुणवान होने से सम्मान प्राप्त है, जैसे अच्छे बांस का बना हुआ भी धनुष गुण अर्थात डोरी के बिना क्या कर सकता है। तत् कथम इदानीम एते मम पुत्रा गुणवंत क्रियंताम आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समानः। तत् कथम इदानीम एते मम पुत्रा गुणवंत क्रियंताम, इसलिए अब किसी प्रकार से इन मेरे पुत्रों को गुणवान कीजिए। राजा कह रहा है कि तो इसलिए अब किसी भी प्रकार से इन मेरे पुत्रों को गुणवान कीजिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् मनु पशु भी नराणाम। आहार निद्रा भय और मैथुन ये पशुओं और मनुष्यों में समान है। धर्मो ही तेषाम अधिको, केवल मनुष्यों में धर्म ही अधिक है। धर्मेन हीना पशु भी समान, और धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान है। आहार निद्रा भय और मैथुन ये पशुओं में और मनुष्यों में समान है। केवल मनुष्यों में धर्म ही अधिक है और धर्महीन मनुष्य पशु के समान है। यथा क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम यस्य एको अपि न विद्यते अजागल स्तनस्य तस्य जन्म निरर्थकम्। क्योंकि जिस मनुष्य में धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनमें से एक भी नहीं हो, उसका जन्म बकरी के गले के थन के समान व्यर्थ है, निकम्मा है, बेकार। क्योंकि जिस मनुष्य में धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनमें से एक भी नहीं हो, उसका जन्म बकरी के गले के थन के समान निरर्थक है, व्यर्थ है, निकम्मा है। यच्च उच्यते, और कहा जाता है आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पांचेतानि अपि सृज्यन्ते गर्भस्थे देहिनः। ऐसा कहा जाता है आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु, ये पांच बातें मनुष्य के गर्भ में ही लागू होती हैं, गर्भ में ही निर्धारित हो जाती हैं। आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु ये पांच बातें मनुष्य के गर्भ में ही लागू होते हैं, गर्भ में ही निर्धारित होती हो जाती हैं। किम च और भी अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतामपि नग्नत्वं नीलकंठस्य माही शयनम हरे। और अवश्य होनार विषय बड़े बड़े देवों के भी होते हैं। अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतामपि, महतामपि बड़े बड़े देवों के, महापुरुषों के, देवताओं को भी अवश्य होनार विषय बड़े बड़े देवों को भी होते हैं। जैसे नीलकंठस्य नग्नत्वम, महादेव जी की नग्नता, माही शयनम हरे, और विष्णु का शेषनाग पर शयन करना। और जो अवश्य होनार है, होनार से संबंधित जो विषय है भाव है बड़े बड़े देवों को भी होते हैं, जैसे महादेव जी की नग्नता और विष्णु का शेषनाग पर सोना। अपिच और भी यद भावी न तद भावी, भावी चेत न तद अन्यथा इति चिंता विष्णु अयम गद किम न पियते। और जो होनार नहीं है तो कभी नहीं होगा, और जो होनार है उसे विपरीत नहीं होगा अर्थात अवश्य होगा। इस चिंता रूपी विष को नाश करने वाले औषध को क्यों नहीं पीते। जो होनार नहीं है वो कभी नहीं होगा, और जो होनार है वह अवश्य होगा। इस चिंता रूपी विष को नाश करने वाले औषध को क्यों नहीं पीते। एतत् कार्यक्षमानां केनचित् आलस्य वचनम् न देवमपि संचित्य त्यजेत् उद्योगम् आत्मना अनुद्योगेन क तैलम तिलेभ्य प्राप्तम अर्हति। यह तो कितने ही कार्य करने में असमर्थों का आलस्य युक्त वचन है। भाग्य को विचार करके केवल देव के ऊपर ही भरोसा रखकर ही मनुष्य को अपना उद्योग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बिना उद्योग के, बिना प्रयत्न के, बिना प्रयास के तिलों में से भी तेल कौन निकाल सकता है। भाग्य को विचार कर ही मनुष्य को अपना उद्योग प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए,
क्योंकि बिना उद्योग के तिलों में से तेल कौन निकाल सकता है। अन्यच और भी, उद्योग किनम पुरुष सिंगम उपेति लक्ष्मी देवेन देयम इति का पुरुषा वदन्ति देवम निहित्य कुरु पौरुषम आत्मशक्तिया यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। और भी, उद्योगिनम पुरुष सिंह और भी उद्योगी जो पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी है और भी उद्योगी जो पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी है ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य को लक्ष्मी मिलती है और भाग्य में होगा सो मिलेगा, इस प्रकार पुरुषार्थहीन मनुष्य कहते हैं। इसलिए भाग्य को छोड़ यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए और यत्न करने पर भी जो कार्य सिद्ध न हो तो उसमें क्या दोष है। उद्योगिनम पुरुष सिंगम उपेति लक्ष्मी, और भी उद्योगी जो पुरुषों में सिंह के समान है, सिंह के समान पराक्रमी है, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य को लक्ष्मी मिलती है। देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, और भाग्य में होगा सो मिलेगा, इस प्रकार पुरुषार्थहीन मनुष्य कहते हैं। देवम निहित्य, इसलिए भाग्य को छोड़कर आत्मशक्तियां अपनी शक्ति के अनुसार पौरुषम कुरु पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो, प्रयास करो। यत्ने कृते यदि, प्रयत्न करने पर, यत्न करने पर भी यदि सफलता नहीं मिलती है तो उसमें क्या दोष है। को अत्र दोषा, तो उसमें क्या दोष है। और भी, उद्योगी जो पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी है ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य को लक्ष्मी मिलती है और भाग्य में होगा सो मिलेगा, इस प्रकार पुरुषार्थहीन मनुष्य कहते हैं। इसलिए भाग्य को छोड़ यथाशक्ति यत्न करना चाहिए और यत्न करने पर भी जो कार्य सिद्ध न हो तो उसमें क्या दोष है। यथा ही एकेन चक्रे न रथस्य गतिर्भवति एवं पुरुष कार्येन विना देवम न सिद्ध्यति। और जैसे एक पहिए से रथ नहीं चलता है वैसे ही उद्योग के बिना प्रारब्ध नहीं खुलती है, भाग्य साथ नहीं देता है। और जैसे एक ही पहिए से रथ नहीं चलता है वैसे ही पुरुषार्थ के बिना, उद्योग के बिना भाग्य सफलता प्रदान नहीं करता है, भाग्य सिद्धि नहीं देता है, भाग्य सिद्ध नहीं होता है, प्रारब्ध नहीं खुलती है। Thank you.